Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching the session of Current Affairs Live with me of 8th June 2017. जी हाँ, महिंद्रा गुरु चैनल पे 8 जून 2017 का करंट अफेयर लाइव का सेशन ये रहा आप सभी के सामने। तो जल्दी से बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं और देखते हैं आज की क्या है खास हेडलाइंस। तो हियर कम्स द फर्स्ट हेडलाइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट ऑल द की इंटरेस्ट रेट्स एंड रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.25% इन इट्स सेकेंड बाय मंथली पॉलिसी 2017-18। हाउएवर आरबीआई हैज स्लैश्ड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर बाय 0.5% टू 20%। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 2017-18 की दूसरी द्विमासिक नीति में सभी प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखते हुए रेपो रेट को 6.25% पर बरकरार रखा। हालांकि आरबीआई ने वैधानिक तरलता अनुपात में 0.5% की कटौती कर 20% कर दिया है। सो आरबीआई की सेकेंड बाय मंथली पॉलिसी बिल्कुल हमारे सामने आ चुकी है और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं देखे गए सिवाय एसएलआर के। किस तरीके से इस न्यूज हेडलाइन को टैग कर सकते हैं, सो हियर कम्स द टैगिंग। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बिल्कुल इसको हम काउंट करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें वन बाय वन पॉइंट्स की, सेकेंड बाय मंथली पॉलिसी 2017-18 आरबीआई के द्वारा निकाली गई है और किसके थ्रू ये काम सामने निकल के आया है, तो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी। अब बैंक रेट पे अगर हम नजर डालें 6.50%, रेपो रेट 6.25%, रिवर्स रेपो रेट 6%, एमएसएफ 6.50 और सीआरआर 4%। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एसएलआर में बदलाव किया गया है, बाकी किसी भी रेट में यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया। अब आरबीआई से स्टैटिक फैक्ट्स भी डिस्कस करना बिल्कुल बन जाता है, तो हियर आर ऑल द स्टैटिक फैक्ट्स ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है आरबीआई का, और फाउंडेशन की बात करेंगे सो 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर्स मुंबई में होगा, गवर्नर उर्जित पटेल एंड यस द डेप्यूटी फोर डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई वीपी कग्नुगो, विरल आचार्य, एनएस विश्वनाथन और एसएस मुंद्रा। So all the static facts of this news headline which can be remembered are here in front of you all. Screenshot बिल्कुल लेते चले ताकि आपको सारे के सारे points one by one याद रहे। Let's head on to the next headline. Veteran Nepalese politician Sher Bahadur Duba has been elected as Nepal's Prime Minister for the fourth time. वयोवृद्ध नेपाली राजनीतिज्ञ शेर बहादुर दुबा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। तो बिल्कुल आप सभी ने सही समझा, कुछ दिनों पहले हमने अनाउंसमेंट की बात सुनी थी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि बिल्कुल म्यूचुअल कमिटमेंट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ अपने पद को छोड़ रहे हैं, वहीं शेर बहादुर दुबा का नाम सामने निकल के आया था टू बी द वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और अब ट्यूजडे को ओवरटेकिंग सेरेमनी के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चौथे प्रधानमंत्री बन चुके हैं शेर बहादुर दुबा। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, याद रखेंगे अपॉइंटमेंट टैगिंग के अंदर किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का, द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल शेर बहादुर दुबा, जो रिप्लेस कर रहे हैं पुष्प कमल दहल जो कि प्रचलित होते हैं प्रचंड नाम से। इसके अलावा नेपाल से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स तो आपके सामने स्क्रीन पे रखना बनता है, सो एवरीथिंग इज हियर। कैपिटल काठमांडू, करेंसी की बात करें तो नेपालीज रुपीज, एंड प्रेसिडेंट की बात करें सो विद्या देवी भंडारी। एंड वंस अगेन इफ यू रिवाइज द प्राइम मिनिस्टर्स नेम फॉर नेपाल, सो नाउ दैट वुड बी शेर बहादुर दुबा। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Manchester United has been named the world's most valuable football club by Forbes magazine for the first time in 5 years. फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 5 वर्षों में पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब नामित किया गया। एज यू कैन विजुलाइज ऑन द पिक्चर ऑल्सो कि तीन क्लब्स दिख रहे हैं वहां, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। सो डेफिनेटली अगर हम इसकी टैगिंग करेंगे तो इसकी टैगिंग करेंगे रैंकिंग के अंदर। किसके द्वारा रैंकिंग आई है, फोर्ब्स के द्वारा मोस्ट वैल्यूबल फुटबॉल क्लब्स की रैंकिंग आई है, जिसमें फर्स्ट पोजिशन पे मैनचेस्टर यूनाइटेड आ चुका है, सेकेंड पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ड्रॉप आउट होकर थर्ड पोजिशन पे पहुंच गया है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अकाउंटेबिलिटी है मोस्ट वैल्यूबल फुटबॉल क्लब की फोर्ब्स के द्वारा। सो फोर्ब्स के स्टैटिक फैक्ट्स भी डिस्कस करना बिल्कुल बन जाता है। फाउंडेशन ईयर 1917, फाउंडर की बात करेंगे सो यस बीसी फोर्ब्स इज द फाउंडर ऑफ फोर्ब्स। और हेडक्वार्टर्स की बात करें सो न्यूयॉर्क सिटी, सीईओ हैं दो लोग, माइकल पर्लिस और स्टीव फोर्ब्स। और एडिटर की बात करेंगे सो रंदाल लेन का नाम यहां पे आ जाता है फॉर द एडिटर ऑफ फोर्ब्स मैगजीन। कई तरीके की लिस्टिंग निकालती है, एक लिस्ट जो हमारे सामने है अभी दैट इज फॉर द मोस्ट वैल्यूबल फुटबॉल क्लब। Let's head on to the next headline. Senior bureaucrat Radha Chauhan has been appointed Chief Executive Officer of Government E-Marketplace, an online platform for central and state government departments for purchase of goods and services. वरिष्ठ नौकरशाह राधा चौहान को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किया गया। GEM केंद्र व राज्य सरकार के विभागों के लिए वस्तुओं व सेवाओं के खरीद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
सो GEM कैसे बना, क्यों बना, किस तरीके से इसको सामने लाया गया, टैग करेंगे इसको अपॉइंटमेंट के अंदर। किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद का इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है और राधा चौहान संभालेंगी अपना कार्यभार। अब GEM की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा है DGSND को। मतलब सीधा सीधा सा है कि जो GEM काम करने वाला है वो पहले DGSND करता था। DGSND की अगर हम बात करें तो DGSND स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल काम करता था बेसिकली सबसे पहले, और अब काम करेगा कौन? GEM करेगा। तो GEM का गठन बेसिकली हुआ ही इसीलिए है ताकि आपके सामने ऑनलाइन वेब पोर्टल्स पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है, उसको आराम से मैनेज किया जा सके। तो मोटो इस पूरे के पूरे इनिशिएट का, अपॉइंटमेंट का यही है, टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट्स फर्म टू ब्रिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। और प्रोक्योरमेंट वर्ड की अगर हम बात करें तो प्रोक्योरमेंट का मतलब ही होता है सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑल द फैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर, कॉन्सेंट्रेट, फोकस एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India signed an agreement with Sri Lanka to provide $318 million as a line of credit to develop the nation's railway sector. भारत ने श्रीलंका को 31.8 करोड़ ऋण की सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे श्रीलंका में रेलवे का विकास किया जाएगा। सो यस, अभी हमने थोड़े ही दिन पहले देखा था कि लोकोमोटिव्स की सप्लाई हुई थी इंडिया से श्रीलंका की तरफ। अब बात आ रही है यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने की। लाइन ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इन्हांसमेंट ऑफ लोन होता है। अगर इसको शॉर्ट और सिंपल शब्द में समझा जाए तो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि लोन वैल्यू को बढ़ा देना। अब यहां पे अगर हम इस न्यूज हेडलाइन को टैग करने की बात करेंगे तो यस, ये अग्रीमेंट के अंदर ही जाएगा। और दो देशों के बीच का अग्रीमेंट है इंडिया और श्रीलंका का। किस लिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया इंडिया ने श्रीलंका को? इसलिए। कितने का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है? तो $318 million का। और अगर इनऑल अगर हम देखें तो आज तक की डेट में इंडिया ने श्रीलंका को $966 million का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर चुकी है इनऑल टोटल, राइट। अब अगर हम आगे फैक्ट्स की बात करें सो इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के सिग्नेचर के टाइम पे दो लोग मौजूद थे, दो लोग प्रेजेंट थे वहां पे। RHS सम्राट तुंगा जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मास मीडिया श्रीलंका से, और एग्जिम बैंक के MD, भारत के एग्जिम बैंक के MD दैट इज डेविड रस्कुआ। श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर इनिशिएट का, ये अग्रीमेंट का मोटिव अगर हम डिस्कस करें सो टू डेवलप श्रीलंकाज रेलवे सेक्टर, यस टू इन्हांस मोर एंड मोर रेलवे फैसिलिटीज, बात आती है यहाँ पे इस अग्रीमेंट की, इस इनिशिएट की। श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट्स ये रहे सब आपके सामने। कैपिटल श्री जयवर्धना पूरे कोटे। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपी प्राइम मिनिस्टर इज रानिल विक्रम सिंघे, और प्रेसिडेंट की बात आती है तो मैत्रीपाला सिरिसेना। तो ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू श्रीलंका एंड दिस न्यूज हेडलाइन इज हियर, सो लेट्स फोकस, कॉन्सेंट्रेट और हर एक बात को ध्यान से सुनते चले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरिंग फर्म फूड पांडा हैज साइंड अप शाहरुख खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ऑनलाइन खाना ऑर्डर और डिलीवरी करने वाली कंपनी फूड पांडा ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया या बना लिया। सो यस, फूड पांडा, कई बार आपने भी इससे फूड ऑर्डर किया होगा। सो ये बेसिकली बात उसी पे निकल के आ जाती है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी फर्म्स के अपने एडवर्टीजमेंट्स में, पोस्टर्स में या कहीं पे भी अब शाहरुख खान की मौजूदगी हमको बिल्कुल यहाँ पे एक सरप्राइज फैक्टर नहीं लेके आएगी, क्योंकि अब वो बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी फ्रॉम फूड पांडा के। सो अब अगर हम इसको याद रखने की बात करें सो अपॉइंटमेंट के अंदर टैग करते हैं शाहरुख खान के नाम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फूड पांडा से। अब फूड पांडा क्या है? सो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी फर्म है। फूड पांडा से रिलेटेड फैक्ट्स पे अगर हम नजर डालें तो ऑल द स्टैटिक फैक्ट्स आर हियर। फाउंडेशन ईयर ऑफ फूड पांडा इज मार्च 2012 में इसका गठन हुआ था। फाउंडर्स दो नाम निकल के आते हैं, राल्फ वेंजल और बेन बॉर। हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे सो बर्लिन जर्मनी में फूड पांडा का हेडक्वार्टर है, और CEO जिसने अनाउंसमेंट किया है शाहरुख खान के ब्रांड एम्बेसडर होने का, सौरभ कोचर। यस, सौरभ कोचर इज द नेम ऑफ CEO ऑफ फूड पांडा इन इंडिया। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। JP नड्डा यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ इनिशिएटिव टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ अभियान की शुरुआत की। सो यस, मोदी जी का सपना हमारे देश के लिए या देश का सपना बेसिकली स्किल कैपिटल बनने के लिए, सो स्किल कंट्री, यूथ के लिए स्किलफुल उनको बनाने के लिए अब हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसमें निकल आई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने हेल्थ सेक्टर में स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ इनिशिएट को लॉन्च किया है,
है जिसके द्वारा जितने भी यूथ मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, वेदर इट इज फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और एनीथिंग, अब वो स्किलफुली उसमें आगे प्रोसीड कर सकेंगे. दैट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज तो अच्छी खासी बढ़ेंगी, बट येस स्किल्ड पर्सन वुड बी कनेक्टेड विद द हेल्थ सेक्टर बेसिकली. सो जेपी नड्डा ने इस चीज की लॉन्चिंग की है. अब इसको हम कैसे टैग करेंगे? सो इसको टैग करेंगे इनिशिएटिव के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो निकल के आई है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर की बात करें, सो यस यूनियन मिनिस्टर है इनके, जेपी नड्डा, जिनका पूरा नाम है जय प्रकाश नड्डा. आगे बात करेंगे अगर लॉन्च की, तो उन्होंने लॉन्च किया स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ, मोटो जिसका है टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर. दैट मींस यूथ को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज को सामने लेके आएंगी, बट स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेंगे किसमें? हेल्थ सेक्टर में. इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन. हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल विल बिकम इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी रीडेवलप्ड इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड. The station redevelopment work in the railway station will be launched on 9th June 2017 by Railway Minister Suresh Prabhu. भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक निजी भागीदारी में पुनः विकसित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन जाएगा. इस रेलवे स्टेशन में पुनर्विकास का काम 9 जून 2017 का को रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा शुरू किया जाएगा. अब देखिए ये न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं 400 रेलवे स्टेशन का जो टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 400 रेलवे स्टेशन वुड बी मेड एफिशिएंट इस तरीके से ताकि वो बिल्कुल मॉडर्नाइज हो जाए और मॉडर्न फैसिलिटीज को इन्हांस करे और कस्टमर्स को या पैसेंजर्स को ट्रैवल करते टाइम आसानी हो. अब ये न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें हबीबगंज नाम इस पूरी की पूरी 400 रेलवे स्टेशन की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पे रहेगा क्योंकि हबीबगंज को सबसे पहले रीडेवलप किया जा रहा है. सो चलिए जान लेते हैं इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स और टैगिंग को. सो ये भी टैग किया जाएगा इनिशिएटिव के अंदर. इनिशिएटिव निकल के आया है रीडेवलपिंग रेलवे स्टेशन का. कौन सा रेलवे स्टेशन? हबीबगंज भोपाल, भोपाल का सब स्टेशन, बिकॉज भोपाल है टू स्टेशन, वन इज द मेन स्टेशन मेन जंक्शन और दूसरा है हबीबगंज. तो हबीबगंज को रीडेवलप किया जा रहा है और इसी के साथ ये बन जाएगा भारत का पहला स्टेशन टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास ट्रांजिट हब. इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 जून को मिस्टर प्रभु लॉन्च करेंगे इस कमेंसमेंट को. दैट मींस 9 जून से ये काम शुरू कर दिया जाएगा. अब ये पहला ऐसा होगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक रेलवे स्टेशन जो है वो रीडेवलप हो रहा है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो ये एक मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी है जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए इनिशिएट करते हैं सो दैट इज कॉल्ड या दैट कम्स अंडर पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. और अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल पे या मध्य प्रदेश में हबीबगंज में इसको लुक आफ्टर करेगा कौन? बंसल ग्रुप विल लुक आफ्टर द होल प्रोजेक्ट. क्योंकि बंसल ग्रुप की अगर हम बात करें तो जाना माना चर्चित एक बिल्कुल सेंट्रल इंडिया का उठता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है. सो बंसल ग्रुप इस पूरे के पूरे काम का ख्याल रखेगा. बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन. The world's fastest elevator that can operate at a record-breaking speed of 1260 meters per minute will be installed in a skyscraper complex building in China. The elevator has been developed by the Japanese tech company Hitachi. विश्व की सबसे तेज लिफ्ट चीन की skyscraper complex में लगाई जाएगी. इसकी गति 1260 मीटर प्रति मिनट होगी. इस लिफ्ट को जापान की तकनीकी कंपनी Hitachi ने बनाया है. सो यस टेक्नोलॉजी की बात आ गई, टेक्नोलॉजी के अलावा यहाँ पे चाइना की बात आ गई. सो जब चाइना की बात यहाँ पे निकल के आ गई है सो चाइना में एक एलिवेटर को फिक्स किया जा रहा है स्काई स्क्रेपर में. दैट मीन्स जमीन से उठता हुआ आसमान छूता हुआ एक बिल्डिंग जिसमें ये 1260 मीटर पर मिनट से चलने वाले एलिवेटर को फिक्स किया जाएगा. हिताची ने बनाया है. तो चलिए जान लेते हैं इसके सारे के सारे फैक्ट्स. तो डिप्लॉयमेंट के अंदर हम इसको टैग करेंगे और डिप्लॉयमेंट के अंदर टैग करेंगे तो वर्ल्ड फास्टेस्ट एलिवेटर जो डेवलप हो रहा है बीजिंग चाइना में हिताची के द्वारा हो रहा है जिसकी स्पीड जो टेस्ट की गई नापी गई तो वो 1260 मीटर पर मिनट थी. अभी टेस्टिंग कहाँ हुई वो भी इंपॉर्टेंट है. टेस्टिंग हुई गंजुआ सीटीएफ फाइनेंस सेंटर चाइना में ही. सो यस चाइना के गंजुआ के सीटीएफ फाइनेंस सेंटर में इसकी टेस्टिंग हुई जहाँ पे 1260 मीटर पर मिनट इसको रिकॉर्ड किया गया. अब और आगे अगर फैक्ट्स की बात करें सो हिताची से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हिताची जापानीज टेक्निकल कंपनी है तो हेडक्वार्टर इसका टोक्यो ही होगा. फाउंडेशन ईयर की बात करें सो 1910 इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ हिताची. और फाउंडर के नाम की बात करेंगे सो नामी ही ओडायरा और सीईओ है तोशियाकी हिगाशी हारा. सो यस नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है पर आप इसको रिवाइज करते रहे तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन. पॉपुलर राइटर आनंद नीलाकंतन, ओडिया पोएट हरप्रसाद दास एंड ऑथर परामिता सतपाठी वर अनाउंस्ड एज द विनर्स ऑफ कलिंगा लिटरेरी अवार्ड्स. लोकप्रिय लेखक आनंद नीलकांतन, उड़िया कवि हरप्रसाद दास और लेखक परमिति सतपति कलिंग साहित्य पुरस्कारों के विजेता घोषित किए गए. कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में होने वाला है ये अवार्ड्स. उनके राइटिंग की कैपेबिलिटी एबिलिटी के लिए इन तीनों का नाम चयनित किया गया है.
कैसे टैग करेंगे? सो इसको टैग करेंगे अवार्ड्स के अंदर. अवार्ड्स के अंदर बात करेंगे कलिंगा लिटरेरी अवार्ड्स की बात आ रही है, और जिसका नाम सबसे पहले यहाँ निकल के आता है, दैट इज आनंद लीला कंतन. किस कैटेगरी में इनको अवार्ड किया जा रहा है? सो कैटेगरी वुड बी इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड. दूसरा नाम आ जाता है हरप्रसाद दास का, इनको टैग किया जा रहा है लिटरेरी यूथ अवार्ड से. और तीसरा नाम जो है परामिता सतपाठी का, इनको दिया जा रहा है कलिंगा कारूबाकी अवार्ड. सो ये तीनों की तीनों कैटेगरीज है जो इन तीनों लोगों को बिलोंग करती है. अनाउंसमेंट हुआ इस अवार्ड का कि इन तीनों को दिया जाएगा 6 जून को, पर दिया जाएगा कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल सम्मेलन में, जो कि होने वाला है 10 जून से 12 जून के बीच, जिसका ये चौथा संस्करण होगा. एडिशन वुड बी द फोर्थ वन. अब इनॉग्रेशन की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम यहाँ पे निकल के आता है. धर्मेंद्र प्रधान के बारे में अगर हम आपसे पूछे कि हु इज बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान, तो यस आपका आंसर डेफिनेटली दिमाग से निकल के सामने निकल के आ ही जाएगा कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर इज धर्मेंद्र प्रधान, जिसके द्वारा ये इनॉग्रेशन होगा कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का, तो जहां पे इन तीन लोगों को सम्मानित किया जाएगा. इसी न्यूज हेडलाइन के साथ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट, क्योंकि आज जितनी भी हेडलाइंस हमने डिस्कस करी क्या क्या और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे, तो लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. What is the value of MSF according to the latest RBI monetary policy 2017-18? RBI की नवीनतम मौद्रिक नीति 2017-18 के अनुसार MSF की दर क्या है? 6.75%, 6.50%, 6.25%, 6% या तो फिर 5.75%. So answer definitely is option number 2, 6.50%. Let's head on to the next question. Who has been elected as Nepal's Prime Minister for the fourth time? कौन नेपाल के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? पुष्प कमल दहल, विद्या देवी भंडारी, सुशीला कोइराला, प्रशांत तमांग या शेर बहादुर दुबा? So yes, the answer is option number 5, शेर बहादुर दुबा. Next question. Which club has been named the world's most valuable football club by Forbes magazine for the first time in 5 years? Forbes पत्रिका द्वारा 5 वर्षों में पहली बार किस क्लब को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब नामित किया गया है? लिवरपूल, बार्सिलोना, मैनचेस्टर, चेल्सिया या फिर अजाक्स? तो यस यू ऑल आर वेरी वेल राइट. आप सभी को आंसर जो क्लिक कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Government E-Marketplace, an online platform for central and state government departments for purchase of goods and services? किसको Government E-Marketplace का मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों के लिए वस्तुओं व सेवाओं के खरीद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा? राधा चौहान, शकुंतला वर्मा, नीति शर्मा, वर्षा चौधरी या आकांक्षा अग्रवाल? सो यस आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, राधा चौहान. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, with whom India signed an agreement to provide $318 million as a line of credit to develop the nation's railway sector? हाल ही में किस देश के साथ भारत के उस देश में रेलवे क्षेत्र को विकसित करने के लिए $318 million का ऋण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस देश के साथ? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या भूटान? So yes, answer is option number 4, श्रीलंका. Let's proceed to the next question. ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी फॉर्म, सीधा सीधा बोला जाए तो फूड पांडा हैज साइंड विच एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? फूड पांडा ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, सलमान खान या अक्षय कुमार? सो यस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, शाहरुख खान. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ इनिशिएटिव टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन द हेल्थ सेक्टर. वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ अभियान की शुरुआत की? हर्षवर्धन, राजीव प्रताप रूडी, रामविलास पासवान, उमा भारती या जेपी नड्डा? सो यस द आंसर इज जयप्रकाश नड्डा, ऑप्शन नंबर 5. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी रीडेवलप्ड इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड. कौन सा रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक निजी भागीदारी में पुनः विकसित होने के लिए भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? अलाहाबाद, इटारसी, हबीबगंज, मुगल सराय या सहारनपुर? सो यस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हबीबगंज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर डेवलप्ड बाय हिताशी इज गोइंग टू सेट अप इन विच कंट्री? हिताशी द्वारा विकसित दुनिया का सबसे तेज लिफ्ट किस देश में स्थापित हो रही है? जापान, यूएसए, इंडिया, फ्रांस या चाइना? सो यस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, चाइना. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. Who among the following has won Kalinga Literary Awards 2017? निम्नलिखित में से किसने कलिंगा साहित्यिक पुरस्कार 2017 जीत लिया है? आनंद नीलाकंतन, हरा प्रसाद दास, परामिता सतपाथी, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस? तो यस दिस कैन अराइज कंफ्यूजन समहाउ, पर हम यहाँ पे लेंगे आंसर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों को ही सम्मानित किया जाएगा कलिंगा लिटरेरी अवार्ड से. इसी क्वेश्चन के साथ वी विल एंड अप दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन. कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए द इम्प्रोवाइजेशन यू वांट टू लुक आफ्टर इन दिस सेशन. डू शेयर द वीडियो लिंक एंड न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस.
महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलेगा मत, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।